औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट जे थे, क्योंकि यहाँ पर जो मस्जिद थी, जो रनवे पे थी, वहाँ पर जो है उसको शहीद कर दिया गया और 12 साल हो गए यहाँ पर शहीद होकर। इसकी कोई नुमाइंदगी नहीं करते, कोई कोर्ट को नहीं जाते, कोई अपील में नहीं जाते, बस यहाँ पर एक दूसरे को जो है सो समझा लेके, बुझा लेके, एक दूसरे के पेट भर लेते, जेब भर लेके चल रहे हैं। तो हम आज इंशाल्लाह ताला ये मस्जिद के एरिया में रह के हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम हाई कोर्ट में डालेंगे, हाई कोर्ट में नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेंगे यहाँ पर, क़यामत तक मस्जिद थी, एक बार मस्जिद तो क़यामत तक मस्जिद रहने वाली है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। आज हम यहाँ पर आके आपके बीच में ठहर के हम आपसे वायदा कर रहे हैं और मैं इमाम साहब से जो है अपील करता हूँ कि यहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ जहाँ आप जो है रिप्रेजेंट करें यहाँ की मस्जिद को फिर से लैंड अलॉट करने का। मस्जिद का नाम क्या? मस्जिद का मस्जिद फारूक रज़ी अल्लाह ताला नाम से है, ये जो कि रनवे पे थी। अब यहाँ पर एक छोटा सा डेरा डाल दे के हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम कहीं हमारे को रोड पे ला दिया गया, हमारे को इतनी मैसर कर दिया गया हमारे को जो है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है इंशाल्लाह ताला। हमारी मस्जिद हम लड़के लेंगे, अगर सीधा नहीं देते तो हम लड़के लेंगे, हर दरवाजे खटखटाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक जाएंगे, प्रेसिडेंट तक जाएंगे अगर नहीं होने की सूरत में। और मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर दुआ करिए, बगैर दुआओं के कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी दुआएँ होना, दुआएँ हों तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बराबर कामयाबी हासिल करता है। और हम शुरू से करते आए, कई मस्जिदों के केसान देखे हैं, वफ़ केसान देखे, कब्रस्तान के केसान देखते रहते हैं। मैं एक बार फिर आप सब से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, मैं अपना कार्ड देके जाता हूँ इमाम साहब के पास और यहाँ पर जो है सो इंशाल्लाह ताला हम मस्जिद को फिर लाकर आबाद करेंगे।